Ben! Five! Six! Seven! हम तो छोटे छोटे अंगूर हैं, तरबूज तो अभी पीछे है। छोटे से काम नहीं, अब जाइए। ए गंबा, अबे डाक कभी किसी ने इसको हाथ लगाया तो? ये अपनी माशूक का भाई है। उनके जन्मदिन के अवसर पर फूल भेंट करना चाहते हैं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मिस्टर खान, इन अखबारों की सुर्खियां देख रहे हैं आप? ये दोनों कैदी आपकी जेल के हैं। जेल में रहने वाले एक एक मुजरिम की सांसों पर कानून का पहरा रहता है। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि उन दोनों की ख्वाहिश न सिर्फ उनको होटों बल्कि जेल की सलाखों से निकलकर इन अखबारों की सुर्खियां बन गए और हमारे डिपार्टमेंट को कुछ खबर नहीं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन दोनों कैदियों से मिलने कौन आया था? सर, वैसे तो इन कैदियों से मिलने कोई नहीं आता था, लेकिन कुछ दिन पहले एक पत्रकार इन दोनों कैदियों से मिलने आया था जिसके पास होम मिनिस्टर का लेटर था। हो सकता है इन दोनों कैदियों ने उस पत्रकार से अपनी ख्वाहिश जाहिर की हो। पांडे जी, कुछ सुना तुमने? क्या बात है मिश्रा जी? ये देखो, राष्ट्रपति जी आज दो खूनियों से मिलने वाले हैं। वो किस लिए? ये तो भगवान ही जाने। जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। नौजवान देश की ताकत होते हैं, उनके हाथों में देश का भविष्य होता है, फिर उन्हीं हाथों में ये हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां क्यों? यही हथकड़ियां और बेड़ियां सिमट कर चार दिन बाद मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएंगी। फूलों की तरह नाजुक हो तुम लोग, फिर ऐसा कौन सा गुनाह हुआ तुमसे जो तुमको इतनी भयानक सजाएं दी गई है? जब तक सुमन नहीं आएगी मैं दुल्हन नहीं बनूंगी मम्मी। ये क्या बात हुई? सुमन नहीं आएगी तो तू डोली नहीं चढ़ेगी? अरे ये डोली चढ़ेगी और सैया के घर भी जाएगी। क्यों बुआ जी? बुआ की बच्ची इतनी जल्दी क्यों आई? कंचन ससुराल पहुँच कर माँ भी बन जाती तब आती। सॉरी बुआ जी, वो रास्ते में बस खराब हो गई थी इसीलिए देर हो गई। अच्छा अच्छा, तू अकेली क्यों आई? दुर्योधन कहाँ है? उसकी बात मत पूछिए बुआ जी। एक सत्युग का दुर्योधन था जिसे चौसर खेलने से फुर्सत नहीं थी, और एक कलयुग का दुर्योधन है आपका भतीजा जिसे दीवारों पर लात और घूसे मारने से फुर्सत नहीं। क्या, दीवार पर लात और घूसे? पागल तो नहीं हो गया वो? नहीं बुआ जी, वो क्या कहते हैं, जूडो कराटे बॉक्सिंग पता नहीं किस किस चीज की प्रैक्टिस करता रहता है वो। नाम और दाम कमाने का भूत सवार है उस पर ना रिश्तेदार। जी बुआ जी। अरे वरमाला के लिए इंतजार हो रहा है, जल्दी चलो। जी बुआ जी। Thank you.
लीजिए। कंचन बेटी, दूल्हे के गले में वरमाला डालो। अबे, शादी से पहले झुकेगा तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा, खड़ा रहे सीधा गन्ने की तरह। देखिए मिस्टर दूल्हा, अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल देगी। अरे भाई एक ही बात है, चाहे ये झुक के डलवा रहे चाहे आप चढ़ के डाल दे। क्या ख्याल है? क्या मतलब? मतलब ये मेम साहब, क्या अब ये खड़ा हो गया है जो झुकने वाला नहीं है, मगर मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। मेरे गले में माला डाल दीजिए। माना कि आपके हाथों में वरमाला नहीं है, मगर हाथों की माला तो है, वही डाल दीजिए। अच्छा, जूतों की माला चलेगी? चाहिए आप लोगों को किसी की इज्जत उछालते हुए। हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर ज्यादती को बर्दाश्त करें। हमने आप लोगों का दिल बहलाने के लिए ये प्रोग्राम रखा और एक बात है कि आखिर आप अपने आप को समझते क्या है? अफलातून। दिल बहलाने की बात थी तो हमसे कहा होता, बिन पैसे के ऐसा प्रोग्राम पेश करते कि तबीयत हरी हो जाती। अच्छा, तो आप अपने आप को माइकल जैक्सन समझते हैं? जरा हम भी तो देखें इस दिए में कितना तेल है। दिए में तेल के साथ साथ बाती भी होती, पूरियां कौन डालेगा? लगता है किसी पेटू ब्राह्मण के खानदान से हो, जो दावत का नाम सुनकर हफ्ते भर की भूख लेकर आए हो। लो खाओ और खाओ, और अगर अब भी पेट न भरे तो मुझे भी खा जाओ। तुम तो स्वीटिश हो, तुम्हें तो खाने के बाद चखेंगे। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे यहाँ मिठाई का प्रबंध है कि नहीं? क्यों नहीं, हमें मालूम है अघोरियों को ज्यादा मिठाई खाने की आदत है। अभी लाए। अबे डट के खा ले, तुझे तो सुहागरात भी मनानी है। लीजिए पेटू जी महाराज, सेवन कीजिए। इतने छोटे छोटे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इतने छोटे छोटे मैं 100-200 खा जाऊं तुम्हें क्या होगा? इतना काफी है, ये और लाओ। अरे ये क्या, आपने तो सब मुझे दे दिया, आप क्या खाएंगी? Thank you.
राजू। हाँ जी चाचा जी। अरे बेटा उधर कहाँ जा रहा है, उधर मैं संभाल लूंगा, जा तू दहेज के सामान के पास बैठ। जी चाचा। हाँ अरे सुमन। जी बुआ जी। तू कहाँ जा रही है बेटी, अब आकर संभाल इसे। जी। ये रो रो के निढाल हो रही है, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं बेटी, अब जाके तू ही बिठा। बेटा अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूं, इसका ख्याल रखना। जी माँ जी। चल। मत रोइए बुआ जी। कंचन। दुर्योधन को उसके नाम से पुकारने का अधिकार सिर्फ लाल बिहारी को है, उसके गुलामों को नहीं, समझा? कह देना कि मैं तैयार होकर आता हूं। सुमन घर पर है, इसीलिए तो तुम आई हो, वरना जब तक हम अकेले थे तुमने हाल भी नहीं पूछा। अरे कभी अपनी सहेली के भाई के लिए भी तो थोड़ा वक्त निकाल लिया करो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी बात का जवाब किसी भी शरीफ लड़की का थप्पड़ दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें जलील करके अपनी सहेली को रुसवा करना नहीं चाहती। बस उमा यूं समझ, नजरें मिली और दिल खो गया, पता नहीं अब कभी मुलाकात होगी या नहीं। वो हीरो तेरी फुफेरी बहन की शादी में आया था, राइट? राइट। वो दूल्हे के साथ साथ था, यानी कि वो लड़के वालों की तरफ से आया था, राइट? अरे राइट की बच्ची, ये सब तो मुझे भी पता है, ये बता कि उससे मुलाकात कैसे हो सकती है। बताती हूँ। तू दिल का कागज ले, प्यार का कलम बना और अपने आंसुओं की स्याही से अपने फुफेरी बहन को लिख कि तेरी शादी में तेरे मियाँ के साथ जो हीरो था वो कौन था, वो कहाँ से आया था, उसका नाम पता क्या है। बस पोस्टमैन, सुमन आपका नाम है जी, ये आपका लेटर। कंचन रावत। प्यारी बहन सुमन, तेरे खत का जवाब लिख रही हूँ। तू जिसके लिए बेकरार है वो भी तेरे लिए उतना ही बेचैन है। बहुत प्यारा लड़का है राजू, उसका नाम पता लिख रही हूँ, जल्दी से अपने दिल का हाल लिखकर भेज दे। गुड लक, तेरी बहन कंचन। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। भाग तो ऐसे रही है जैसे कोई खजाना हाथ में। हाँ ऐसे ही कुछ है। क्या जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, उमा घर में है। हाँ है, तू बैठ, मैं बाजार से आती हूँ। जी बाय बाय। ये लो, सूरज सर पर चढ़ गया, ये महारानी अभी तक सो रही है। उमा उठ। उमा तुम Thank you.
सुमन। बड़ी तेज है रे तू। फुफेरी बहन की शादी में किसी को दिल दे बैठी और यहाँ आई तो मेरे भाई पर डोरे डाल दिए। भाई? अरे हाँ, ये मेरा भाई है राजू। 15 साल बाद आया है, मामा जी के पास पढ़ने गया था। सुबह 4 बजे आया है, इसलिए अभी तक सो रहा है। ये वही राजू है? वही राजू नहीं, यही राजू है। जी तो चाहता है कि तुझे इस पंचिंग बैग की जगह पर लटकाकर तेरे जिस्म पर घूसों की बारिश कर दूं। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं, पूरी जानकारी है। 15 साल के बाद तू अपने मामा के घर से लौटा है, 1 हफ्ते से इस मोहल्ले में घूम रहा है और तुझे मुझसे मिलने की फुर्सत तक नहीं। यार हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पता चला तो सिर्फ इतना कि मेरा वो दोस्त जिससे स्कूल का बैग नहीं उठाया जाता था, 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान हो गया है और जिसके एक घूसे से दीवार में छेद हो जाता है। यार तू करता क्या है? हड्डियां तोड़ता हूं। क्या? चला तुझे दिखाता हूं। क्या देख रहा है यार? शक्ल तो तेरी बिल्कुल महाभारत के अर्जुन जैसी है, लेकिन कर्म बिल्कुल दुर्योधन जैसे। लेकिन तूने तो कहा था तू हड्डियां तोड़ता है, यहां तू हड्डियां तोड़वा रहा है। मुझे हड्डियां तोड़ने और तोड़वाने दोनों के पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं? हाँ। कौन देता है? वही जो तोड़ने के पैसे देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कलयुग के इस दुर्योधन के साथ भी कोई शकुनी मामा है। अरे भांजे, कितनी बार कहा फटका मत मार, मत मार, ठीक आती है। ये देखो। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। वो तो टूट गई समझो। तो आइए सीने से लग जाइए। हमारे सीने से लग के कोई फायदा नहीं होगा। वो दिल से दिल नहीं मिलेगा। ये जो पेट है ना ससुरा, ये बीच में आ जाता है। आपकी यही बातें तो दिल को मोह लेती हैं। आप जौहरी बाजार में जाके पूछे ना, मैं हर एक से कहता हूँ कि आप कितने ईमानदार, नेक, अच्छे। हमको गाली नहीं देना, कह देता हूँ। शरीफ आदमी नहीं कहना, हम बहुत हरामी चीज हूँ, समझे ना? काम की बात कर। प्यारी सेठ, कालिया हर हफ्ते गले पर अंगूठा रखकर हफ्ता बढ़ा देता है, तुम उसे गटर में फेंक दो। धीरे से काहे को बोलता है रे? हम का ससुरा डरता हूँ किससे? जोर से बोल। बहरी सेठ, कालिया को मारने का इंतजाम सिर्फ आप कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। एक साल से यहाँ ही झक मार रहे हो, कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक नहीं बने ना, तो यहाँ पर तुम्हें लटका दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखो भाई, लाखों रुपया खर्च करता हूँ तुम लोगों पर, आराम का पैसा नहीं आता हमरा। इधर का पसीना इधर तक आता है कमाने में। हाँ सेठ, क्या कह रहे थे तुम? जी मैं ये कह रहा था कि कालिया को मरवाने के लिए मैं आपको 20,000 रुपए तक दे सकता हूँ। छुड़बक के नाती, एक आदमी मारने का तैयारी हो रहा, मच्छर मारने का? मार दे घन और कर दे चित। ए तू होता ये भैया, ये का ट्रेनिंग दे रहा है तू? है ये जरा सिखा इनको, नहीं तो ससुर के नाते कंपटीशन में हमारे कपड़े बिकवा देंगे, नंगे भेजोगे का बिहार। हाँ से का कह रहे थे तू? हम ठीक से सुने नहीं। जय बजरंग बली,
जय हनुमान ज्ञान सागर जी। वो इस काम के लिए व्यापारी 50,000 भी दे सकते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वर्ण विराट सुवेश 1,00,000 और ध्वजा विराजे कांधे मुज्जने उसाजे शंकर सुवन केसरी नंदन। 1,00,000 काम के पहले, 2,00,000 काम के बाद। जय भोले शंकर। जय भोले शंकर। कायरे जाड़िया धार देखता है? अरे धार साला पत्थर पे खिस खिस के नहीं बनायला है, बल्कि तेरे जैसा हरामी लोग को आतड़ी काट काट के तेज खेला है। क्या कालिया भाई, मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। जय भोले शंकर, ये पापी पाप खुद किया, क्षमा मांगने तेरे भगत के पास आ गया। पहले वह चोटी वाले भैया को सुपारी देता है। अरे वो चोटी वाले भैया का तो चोटी काट के अपन झाड़ू बनाएगा, लेकिन उसके पहले साला अपन तेरे को खलास करेगा। अपन सिर्फ प्रसाद खाता है। बाहर आओ, ढक्कन खोल। साला छड़िया, ये गटर देखा, ये गटर का मुंह अपन की खोली में खुलता है, और इसका तुम किधर है उसका साला पुलिस तक को पता नहीं है। अभी तक साला 99 लोग को काट के इस गटर में फेंकेला है, आज तेरी बारी है। चोटी वाले चक कुतरिया, अपन तुम सबको भी काट के इसी खटर में डालेगा क्या? भौंक रहे हो भैया? आवारा कुत्तों को देखकर ये ऐसे ही भौंकता है। आवारा कहाँ, हमारे गले में तो आज भी आपके सागिर्दी का पट्टा पड़ा हुआ है। हम तो आज भी आपको अपना गुरु मानता हूँ। बड़ा अच्छी जगह निवास स्थान बनाया है, और खूब तैयार किया है अपने बेटे को। क्यों ना हो, तजुर्बे की भट्टी में तपकर कुंदन ही बनेगा ना। लोमड़ी के मुंह से शराफत का राग अच्छा नहीं लगता। काम की बात कर, काम की बात। सुना है आप इस बार अपने सपूत को पैर पैंतरा कंपटीशन में हमरे खिलाफ उतार रहे हैं? ठीक ही सुना है, दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का मजा ही कुछ और होता है। अरे जिद की आग पर दुश्मनी की हंडिया पकाने से का फायदा ठाकुर साहब, हमरे अखाड़े में खिलाड़ियों पर दाव लगते हैं। अगर आपका लाडला हमरी ओर से लड़ेगा, हमरे पक्ष में लड़ेगा, तो बड़ा खुलकर दाव लगाऊंगा। पैसे का लालच तुम जैसे दलालों को होगा, जो मासूम खिलाड़ियों को दौलत की लालच से गुमराह करके उनकी जिंदगी और मौत को दांव पर लगाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। ये मार्शल आर्ट जिसे हमारी संस्कृति ने जन्म दिया था, आज दूसरे मुल्कों की शान बन गया है। लेकिन अफसोस, ये फन हमारे ही मुल्क में एक लावारिस बच्चे की तरह है जो अपना भविष्य तलाश कर रहा है। मैंने अपना खून पसीना एक करके इस कला का एक मंदिर बनाया था।
ताकि इसके चाहने वालों की खिदमत कर सकूं। लेकिन तुमने इस मंदिर को मुझसे छीन कर इसकी बुनियादों को खोखला कर दिया और इसे जुए और बदमाशी का अड्डा बना दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ तैयार किया है ताकि वो इंसाफ की तलवार बनकर तुम्हारे जुर्म का खात्मा कर दे। जागती हुई आंखों का ख्वाब कभी पूरा नहीं होता ठाकुर साहब। ये ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदल जाएगा बिहारी। वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा बेटा हजारों की भीड़ में तुम्हारे खिलाड़ियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा। तो आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर तुम्हारे लाडले ने इस कंपटीशन में हमारे खिलाफ हिस्सा लिया तो ये उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी कंपटीशन होगा। नमस्ते। धन भाग हमारे कि आपके चरण पधारे। लेकिन आप यहाँ कहाँ विराज रही है, वहाँ चलिए ना। जी नहीं, करीब से देखने में मजा आता है। वही तो कह रहे हैं हम, करीब से ज्यादा मजा आता है, चलिए ना। नहीं शुक्रिया, मैं यही बैठूंगी। जी मालिक। इनका ख्याल रखिएगा। अच्छा। हमारे खास मेहमान है, इनको कोई तकलीफ हो ना तो तुझे तकलीफ होगी। जी मालिक, विराजिए ना। जी मामा जी, ये दुर्योधन की बहन बहुत चिकनी लग रही है। जी तुम्हारे मामी बनकर आएगी तो कैसी लगेगी रे मामा जी। वो मुजफ्फरपुर वाली मामी के का होगी, ससुर के नाती। जी मामा जी। अब भाई तो हम कवारे हैं। Yeah.
एक नहीं दो जाओ भांजे भाव गिरा दो। ये तो सब अनाड़ी है, खिलाड़ी तो अब आवेगा मैदान में। अरे भांजे सतयुग का महाभारत थोड़े ही है कि अर्जुन जीतेगा, ये तो हमारा अखाड़ा है, दुर्योधन ही जीते जी। जाओ भाव बढ़ा दो। अच्छा मामा ज्यादा तो सचमुच हमरे कपड़े बिकवा देगा जी। एक काम कर जी, ये गोली ले जाकर दे दे, ये गोली हमरी सोने की लंका बचाएगी। जा। अच्छा मामा, मामा ने तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी भेजी है, ये लो, होशियारी से इस्तेमाल करना, समझे? मामा हमने संजीवनी बूटी दे न दिया तो बुड़बक्के का संजीवनी बूटी नहीं ना, अंधजीवनी बूटी।
मामा। बेटे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। जय बजरंगबली। आंखों की चिंगारी बता रही है कि दिल में आग अब तक जल रही है, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ उसमें हमरा का कसूर? हम तो पहले ही चेतावनी दिए थे ना। हर जाने दो, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। हम आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ, अगर वो आप स्वीकार कर लेंगे तो हमरे तो भाग खुल जाएंगे। देखिए, वो पहिए वाली कुर्सी तो आप अपने बेटे के लिए लाए हैं, लेकिन हम सोचा कि अब तो आपकी हड्डियां भी सठिया गई होंगी, जवान बेटे की कुर्सी कब तक ढकेलेंगे, है ना? हम विदेश से कुर्सी मंगाया हूँ, ऑटोमेटिक है। ये देखिए, ये रिमोट कंट्रोल वा है, ये बटन दबाइए और उंगली कर करके भगाइए। ये देखिए, चलिए 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 चलिए, लगी नहीं ना। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हम बिहारी बाबू हैं, पसंद आया? ये बाबा ठाकुर की पकड़ है प्यारी। शराब को हाथ लगा रहे हो ना शबाब को? आज इसका जन्मदिन है। जन्मदिन? अरे माशूक को पटाने के लिए नाटक हो रहा है। आने वाली है क्या? उसका भाई आने वाला है। भाई? वो कहते हैं ना, खजाना लूटना हो तो पहले पहरेदार को पटाना चाहिए। चुप, देखो आ गया। राजू, वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सर, बी कंफर्टेबल। बोल क्या लेगा? विस्की, ब्रांडी, रम, जिन? मैं शराब नहीं। कम ऑन यार, कुछ तो ले। अच्छा, फ्रेश लाइम विद सोडा। गेट मी वन फ्रेश लाइम विद सोडा। बहुत अंधेरा है, कहो तो हम तीनों अपने टॉर्च की रोशनी में मंजिल तक पहुंचा दे। बासे, जाने मन
हम तो छोटे छोटे अंगूर हैं, तरबूज तो अभी पीछे है। छोड़े से काम नहीं, अब जाइए। गंबा खबरदार, कभी किसी ने इसको हाथ लगाया तो ये अपनी माशूक का भाई है। भैया गली में क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ गली में कुत्ते बहुत हैं। इनकी गिनती तो रोज बढ़ती जा रही है। अच्छा सोने से पहले दूध पी लेना। हाँ उमा। जी भैया। सुमन के भाई दुर्योधन को जानती हो तुम? उससे तो गली का बच्चा बच्चा जानता है। कैसा लड़का है वो? आपका दोस्त है वो, आप बेहतर जानते हैं उसके बारे में। मैंने तुम्हारी राय पूछी है। सच कहूं भैया? हाँ। मेरी नजर में उसकी औकात एक गटर के कीड़े जैसी है। तूने उसकी औकात बताकर अपने भाई को रुसवा होने से बचा लिया। भैया सॉरी यार, कल रात शराब के नशे में न जाने क्या उल्टा सुल्टा बक दिया। चले जाओ यहां से। राजू मैं तेरे से माफी मांगने। I said get out। देख राजू मैं तेरी ये बदतमीजी इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि तू उमा का भाई है। आइंदा मेरी बहन का नाम लिया तो घर की चौखट पर नहीं बस्ती के चौराहे पर मारूंगा। क्या देखते हैं तुम लोग ये अपने बचपन का दोस्त है, हमारा आपस में कुछ भी चल सकता है। जाओ जाओ यहां से। सोचा था शराफत से काम चल जाएगा जाने मन, मगर लगता है दुर्योधन के नसीब में चीरहरण ही लिखा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे तो मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाएगी? बड़ा सचा को बुलाए तेरे लिए।
तुझको खबर है दिलबर मेरी क्या मजबूरी, ओ तुझको पता ना तुझको खबर है दिलबर मेरी क्या मजबूरी, इस जीवन में प्यार से ज्यादा और भी है कुछ काम जरूरी, मैं तेरे प्यार में यूं ही आए भरूं, मैं तेरे प्यार में यूं ही आए भरूं, मेरी जाने तमन्ना बता क्या करूं कि तुझे ऐतबार आ जाए, कि तुझे हंस दे ओ तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए, ओ मेरे दिल को करार आ जाए। जब तक तू इस कमरे में है जिंदा है, अगर तूने उस कमीने से मिलने की कोशिश की तो इस चौकट के बाहर तेरा जिस्म जरूर जाएगा, लेकिन उसमें तेरी आत्मा नहीं होगी। तू मुझे कैद करके अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता है, क्योंकि राजू ने तुझे जलील करके अपने घर से निकाल दिया, कुमार ने तुझे गंदे जानवर की तरह धिक्कार दिया। अरे तू है ही तेरा हर थप्पड़ मेरे हौसले को और मजबूत करेगा, क्योंकि तेरे जुल्म में इतना असर नहीं जितना राजू की मोहब्बत में है। समझने की कोशिश करो सुमन, मैं दुर्योधन की जुबान पर अपनी बहन का नाम तक नहीं बर्दाश्त कर सका, तो वो हमारा प्यार कैसे बर्दाश्त करेगा? वो हमारे दरमियान लोहे की दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। हम अपने प्यार की गर्मी से उस दीवार को पिघला देंगे, और अगर न पिघला सके तो सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे देंगे। तुम जज्बाती हो रही हो सुमन। तुम मुझसे मुंह मोड़ कर जाना चाहते हो ना, तो जाओ, मगर इतना याद रखना, जिंदगी के जिस मोड़ पर तुम आंख उठाकर देखोगे सिर्फ मुझे पाओगे। तुम शायद मेरे बगैर रह सकते हो, मगर मैं तुम्हारे बगैर न रह सकती हूँ, न जी सकती हूँ, हाँ मर सकती हूँ। बस्ती में नजर नहीं आया। ओ हीरो का एक असलम लुखा बोल लुखा, डर के भाग गया होगा। अरे कहीं घर में तो नहीं छुपा बैठा है? अरे बुढ़िया किधर है तेरा सपोला, उसे बिल में छुपा रखी है या अपने अचल में, बोल। अरे उसको बोल मर का बच्चा है तो बाहर निकल, नहीं तो चूड़िया पहले चूड़िया। अगर उसे नहीं भेजती तो भेज दे अपनी लौंडिया को, सारी बस्ती के सामने डाल देता उसके हाथों में चूड़िया। कहां जा रही हूं मां? उस कुत्ते के मुंह पर थूकने, पागल हो गई है, भौंकने दे उसे। लेकिन माँ कमीना, कीचड़ आदमी पर गिरे या आदमी कीचड़ पर, दोनों सूरतों में दाग तो आदमी पर ही लगता है, हमें इज्जत। खिड़की बंद हो गई गुरु। अरे खिड़की क्यों बंद करती है,
क्यों अपना प्रपोजल तेरे को अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत पछताएगी। अरे तेरी लौंडिया के वास्ते अपन से अच्छा मर्द सारी बस्ती में नहीं मिलेगा। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। तूने आशीर्वाद नहीं दिया का उनको? आशीर्वाद तो मैं उसे ऐसा दूंगा बिहारी जी कि मेरा आशीर्वाद उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके खानदान के लिए अभिशाप बन के रह जाएगा। लेकिन पहले मैं अपनी सुमन के लिए एक लड़का ढूंढकर उसके हाथ भी लेकर दूं। बस भैया तेरा नजदीक का नजर कमजोर है का? मैं सामने बैठा हूं और कहता है लड़का ढूंढकर, मुझ में कोई कमी है का? अरे सुमन को तो मैं कब से अपनी दिल की रानी बनाए बैठा हूँ, मैं लव करता हूँ। तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है ना मेरा साला बनने में? हाँ? तुम तो उसे रानी बनाना चाहते हो बिहारी जी, मैं तो सुमन का हाथ उस राम साधे के हाथ में देने के बजाय तुम्हारी पट रानी बना देना बेहतर समझता हूँ। अरे ये तो हमारी जाने बाहर है, टीका तो हम दिल के सिंहासन पर बिठाएंगे। कारानी करोगी ना हमसे साथ? दुर्योधन उस दिन तेरी मार से वो धागा नहीं टूटा था जिसे राखी कहते हैं, लेकिन आज वो टूट गया है क्योंकि मुझे यहाँ घसीट कर ले आने वाला एक भाई नहीं दलाल है जो अपनी बहन की भाड़ खाना चाहता है। दुर्योधन भैया समझदारी के कान में रिश्तेदारी का तेल डाल दे, टीका मतलब है ये राजी है। क्यों रानी है? हाँ, मगर शादी के पवित्र बंधन में बंधे से पहले मैं तुम्हें एक हकीकत बता देना चाहती हूँ, क्या तुम उस सच्चाई को निगल सकोगे? अरे जाने मन हम तो सच्चाई खाता हूँ, हकीकत निगल जाता हूँ। तू बताना बात का है? मेरे पेट में राजू का प्यार पल रहा है, अगर तुम ये झूठन निगलने को तैयार हो तो मैं शादी के लिए राजी हूँ। जिस हरामजादे की हवस के नाग ने तेरी कोख को डसा है आज मैं उसे डसूंगा। नहीं भैया, मैंने झूठ बोला था, राजू निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। खोलो दरवाजा, खोलो। तुम्हारे गुस्से की धार बता रही है कि तुम राजू का खून करने जा रहे हो। नहीं दुर्योधन, उसको मार देना तो बहुत आसान है, मुक्त हो जाएगा। मजा तो उसमें है कि उसको जिंदा रखो ताकि मौत के लिए तड़पे। खून का बदला खून और इज्जत का बदला बुझाया। कोई नहीं जाएगा, द्रौपदी का वस्त्रहरण अब दुर्योधन इस बस्ती के बीच में करेगा ताकि छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबको ही पता चले कि रेप बलात्कार का मतलब क्या होता है। हाँ, और इज्जत का बदला इज्जत से किस तरह से लिया जाता है देखो सब लोग। बिहारी जी, बिहारी जी,
मैं आपके पांव पड़ती हूँ, इस पर दया करिए, ये आपकी बेटी के सवाल है। इसकी अरे पगली कहीं की जुलूम कहाँ कर रहा। कोई तो आ गया, कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को। छोड़, नहीं भैया नहीं। क्या हो रहा है ये सब? हाँ क्या हो रहा है? चलो इधर से चलो। अरे लाल बिहारी जी, आप है तो जरूर यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा हो। ये अलग किस्म का पैर पैंत रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, वो लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे। मैं आपके पांव पड़ती हूं। इज्जत लूटी तो नहीं ना, जब इज्जत लूट जाएगी कंप्लेन लिखाने चली आना। क्या कमीने, चला कमीने कुत्ते, अगर मेरी बेटी की बजाय तेरी बेटी होती तब भी तू यही कहता क्या? लटका दो बचकुंडे को, लटका भरा उपचा दो, छोड़ो मुझे। कुत्ते, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरी बहन को छोड़ दे। ले जाए छोकरिया को अपने साथ। तुम मैं तो नहीं रहूंगी, तुम सबको फांसी पर लटका दूंगी। फांसी वाले तुमसे डर सकते हैं। उबा नहीं, नहीं उबा, नहीं उबा, नहीं उबा, या! उबा लाल बिहारी के कुत्ते ले चले गए। दिन दहाड़े खून खराबा करता है और किसी शरीफ इंसान पर झूठा इल्जाम। आंखों वाले अंधे, मेरी बहन की लुटी हुई इज्जत अपनी आंखों से देखकर भी सबूत मांगता है कुत्ते। बंद कर दो साले को। कुत्ता है तू, कुत्ता, लाल बिहारी की फेंकी हुई बोडियों पर पलने वाला पालतू कुत्ता।
अब इस पिंजरे में जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। जा, तेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मैंने तुझे छूट दी, क्योंकि मैं तुझे तेरी ही बहन के खून के इल्जाम में फांसी तक पहुंचाने वाला हूं। बहुत तरक्की करेगा तू, बहुत तरक्की। ये इंस्पेक्टर की वर्दी उतार दे ये वर्दी, और भड़वागिरी शुरू कर दे लाल बिहारी की। बहुत पैसे कमाएगा, बहुत पैसे। और अगर कोई ना मिले ना, तो अपनी माँ बहन को बिठा देना उसकी बिस्तर की रौनक बनाने के लिए। समझ गया तल्ले? जबान को पलट कर हलक में रख साले, एक बात दबा दूंगा। रामजादे थूकता है, मुझ पर थूकता है, भड़वे पर थूका ही जाता है। ए, ए बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। कतरे क्यों आप ऐसे बाहर हो रहे हो, क्यों अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हो इसे? सर ये कातिल है, इसने अपनी बहन का खून किया है। झूठ बोलता है ये, झूठा इल्जाम लगा रहा है ये मुझ पर। इस इंस्पेक्टर की नजरों के सामने भरे मोहल्ले में मेरी मासूम बहन की इज्जत लुटवा दी लाल बिहारी ने। मेरी माँ इसके पाँव में सर रख कर गिड़गिड़ाती रही, कानून का वास्ता देकर मदद की दुहाई देती रही, मगर ये मदद की बजाय एक मासूम लड़की की इज्जत लुटने का तमाशा देखता रहा। शट अप, यू शट अप। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। लेकिन सर ये झूठ कह रहा है। झूठ और सच को परखने की तमीज है हमें। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग कानून के रखवालों को भड़वा, दलाल, छक्का और नपुंसक कहकर बुलाते हैं। तुम जैसे ऑफिसरों ने पुलिस स्टेशन को इंसाफ का मंदिर नहीं, हंडी का कोठा बना दिया है। बोली लगा दिया कानून की उसे रद्दी समझकर। और कितने थप्पड़ चाहिए तुम लोगों के जमीर को जगाने के लिए? सालिमों की दहशत ने तुम लोगों की आत्माओं को इस कदर बेजान कर दिया है कि मजलूमों की चीखों पुकार तक तुम्हें सुनाई नहीं देती, जबकि सब गूंगे बहरे हो गए। तुम मत भूलो, तुम लोगों की खामोशी उन लोगों की ताकत है जिन हरामजादों ने राजू की बहन को बेइज्जत किया है। कल वही लोग तुम लोगों की बहू बेटियों के कपड़े भी धो सकते हैं। क्या तुम में से कोई नहीं है जो उन हरामजादों के खिलाफ गवाही दे सके? लानत है तुम कायरों पर जिन्होंने डर की कोख से जन्म लिया। अपनी मुर्दा आत्माओं को जिंदा करो, बताओ मुझे। खंबा, अगर ये पतोरिया पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इसके आशिकवा को परलोक पहुंचा देना। जय बजरंगबली दरोगा जी, हम लाल बिहारी आपका स्वागत करता हूँ। जैसे सुना कि चींटी के घर भगवान पधारे, हम सर के बल चला आया। लेकिन ये सब क्या है? वो पहली बार पधारे हैं ना दरोगा जी आप, इसलिए कालेंगे आप करके समय का बर्बाद करना। वो ठंडा पीना ठंडा हाजिर है, गर्म पीना गर्म हाजिर है। बड़े होशियार हैं बिहारी जी आप, मुंह खोलने से पहले ही मुंह बंद करने का सामान साथ में रखते हैं। का मजाक करते हैं दरोगा जी आप? बिहारी जी मैं ठंडा नहीं पी सकता, क्योंकि ठंडा पी के मैं डंडा नहीं दिखा सकता, और डंडा दिखाना मेरी ड्यूटी में शामिल है। गरम मैं पीऊंगा नहीं, क्योंकि गरम पी के मैं बहुत गरम हो जाता हूँ, और पहली मुलाकात में गर्मी ठीक नहीं। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। तो लाल बिहारी भी आदमी कोई आम किस्म का नहीं है दरोगा जी? चर्चा तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया,
वैसे बाजार कमाल का बना रखा है आपने। ये बाजार नहीं है दरोगा जी, अखाड़ा है, विद्यालय। यहाँ जोड़ो, कराटे और बक्सिंग सिखाया जाता है। बंद करो ये जुए का अड्डा, जो तुम कानून की आंख में धूल झोंक कर अखाड़े की आड़ में चला रहे हो। ये कमाल है भैया, एक शरीफ आदमी खामोश खड़ा है और तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। है कोई सबूत तुम्हारे पास कि अखाड़ा नहीं है, शिक्षा मंदिर नहीं है, जुए का अड्डा है? देखो, मैं अगर मेरी आई पर आ जाऊं तो बाल की खाल खींच देता हूं। रही सबूत की बात, तो वो भी बहुत जल्दी ले आऊंगा। दो इसे। छोड़ दो मुझे, मैं अपने आप को इस दिए से जला डालना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इस घर की खामोशी मुझे डंक मार रही है, इस सन्नाटा मुझे निकल रहा है। उमा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ माजी, मैं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा दलाल भाई तुम्हारी जुम्मन को बेचने ले गया था। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। बस इसी झूठ की चिंगारी हमारी उमा के लिए चिता की आग बन गई। और मारो मुझे, गला काट दो मेरा, मुझे नहीं जीना है। छोड़ दो मुझे, कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चार से मार डालूंगा तुझे, कबीले, छोड़ो। दुर्योधन को मारने के लिए लोहे के हाथ चाहिए, लोहे के। चादर क्यों डाल दी? अरे यही सफेद चादर तो मेरी बेटी को निगल चुकी है। हटा दो इसे डॉक्टर। ये मैं
तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये सफेद चादर तुझे अपने खतरे से मुक्ति नहीं दिला सकती। सुन रहा है तू? तेरी रगों का खून अपनी बहन का इंतकाम लिए बगैर सर नहीं पड़ सकता। अरे अभी तो वो मां की चिता की आग सीने में ठंडी नहीं पड़ी, तो फिर तू मेरी कोख में आग लगाकर कैसे जा सकता है? नहीं राजू, भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। नहीं छीन सकता वो मेरे जिगर के टुकड़े को, नहीं छीन सकता। राजू, राजू बेटा उठ, उठ राजू, उठ। तुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है, अपनी माँ का वचन निभाना है। उठ राजू, उठ, उठ। सुनता क्यों नहीं? नर्स, लुको सर ऑक्सीजन अरेंज करो फास्ट। आओ दरोगा, क्या है तुम्हारी चेहरे की घड़ी पे 12 क्यों बजे भाई? इसलिए कि आपका समय खराब है। क्या बकवास करता है तुम? बकवास नहीं, भविष्यवाणी कह रहा हूँ। कसाई भी बकरा हलाल करने से पहले अपनी छुरी की धार देख लेता है, मगर एक तुम हो जिसने अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया। किसकी बात कर रहा है तू? राजू की, वो जिंदा है। शेर के चपड़े से उसका शिकार बच के जा सकता है, मगर दुर्योधन के हाथों से उसका दुश्मन नहीं। इतनी ही जोर से मेरे गिरबान के बजाय उसकी गर्दन दबाई होती तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। तुम लोगों ने मौत को घर दिखा दिया है। मौत हमारे घर से उतनी नजदीक नहीं जितना कि वो अस्पताल है। इंस्पेक्टर प्रधान वहाँ पहुँच चुका है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि उसने आपके खिलाफ बयान नहीं दिया। उसने प्रधान को सिर्फ इतना ही कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंट को पहाड़ की ऊंचाई का अंदाजा लग गया। डायलेक्ट सही है, लेकिन समझ में थोड़ा फर्क है। का मतलब? मतलब ये कि राजू का बयान बदलना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। राजू बेटा पीठ दिखाकर जा रहा है, लेकिन चेहरा उसी वक्त दिखाना जब उन कमीनों का मुंह कफन से ढक देना। मां का ख्याल रखना। यह नामुमकिन है। आप तो जानती हैं कि यह फन मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि इस फन का हथियार किसी मां की कोख को उजाड़ दे। उस मां की कोख तो उजड़ चुकी है ठाकुर साहब, और ये बदनसीब भाई अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए खुद मौत के सफर पे निकल चुका है। ठाकुर साहब, मैं राजू को आपके पास सिर्फ इसलिए लाई हूं कि अगर आप इसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रख दें तो ये बेवकूफों की तरह मरने की बजाय बहादुरों की तरह उनका मुकाबला कर सके। ठीक है, मैं इसे सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजू से मिलने यहां कोई नहीं आएगा। राजू से मिलने कोई न सही, लेकिन एक बेटी अपने बाप से मिलने तो आ सकती है। आ सकती है, लेकिन कभी कभी। Thank you.
अरे कुछ नहीं, चलो जाने न पाए, दोनों में से एक कम अज कम आज। अब तुम सैम रेडी गो चलो राज। ये मुझसे नहीं होगा बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटे ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो लाल बिहारी और उसके आदमियों ने तुम्हें दिया। याद करो उस दर्द को जो सरेआम बेइज्जत होते वक्त तुम्हारी बहन ने महसूस किया होगा, वो दर्द जो आज तक तुम्हारी मां के कलेजे में नासूर बनकर टीसे मार रहा है। बेटे,
आज जो गुर मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो पैर पैतरा फन की आखिरी कड़ी है और तुम्हारी तालीम की आखिरी सीढ़ी। फर्ज करो लड़ाई के दौरान अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए तो तुम अपने सामने खड़े हुए दुश्मन को उसके कदमों की आहट से और उसके वार को हवा के रुख की काट से पहचान सकते हो। अब मैं वार कर रहा हूं, अंदाजा लगाओ कि वार किस तरफ से हो रहा है। अंदाजा लगाओ, कोशिश करो, ध्यान दो, बचो, बचाओ। क्या बात है बेटे, पिछले दो हफ्तों से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? बाबा अगर आप इजाजत दें तो मैं राजू को सिखाने की कोशिश करूं। लड़की तुम इसे सिखाओगी तो नहीं बल्कि इसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करोगी। आग और मोम एक साथ नहीं रह सकते। बाबा मेरी मोहब्बत मोम नहीं, सब्र का वो फौलाद है जिसे कोई आग पिघला नहीं सकती। अरे ये क्या? राजू इस पायल की आवाज को पहचानने की कोशिश करो, कहां से आ रही है? की आग जो वासना का धुआं उगल रही है, फूंक डालो शोलों में औरत की मर्यादा और अपनी शराफत को भटका दो मुझे मेरे मकसद से। राजू ये तुम्हारा इम्तिहान था, इस बेचारी ने तो अपनी हथेली पर आग रखकर अपने सब्र का इम्तिहान दे दिया था। आजमाइश तो तुम्हारी होनी थी बेटे, मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपनी आजमाइश में कामयाब रहे। Thank you.
अबे चल हट। हड्डी कहाँ जाएगी तू? अरे कोई बचाओ, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। अजीब था बस्ती वालों, गौर से देखो इस हरामजादे को और पहचानो रावण के इस सैनिक को। तुमने मेरी बहन की बर्बादी का नजारा तो देखा था, अब इसकी मौत का तमाशा भी देखो। इसे हरामजादे ने मारा है जीवा को, जीवा से इसकी बहुत खटापटी थी। बिहारी जी, ये भी तो हो सकता कि किसी और ने मारा हो। और कोई मार ही नहीं सकता दुर्योधन, क्योंकि वो जौन पैतरे से मरा हो पैतरा हमारी स्कूल का है और ये ससुराऊ पैतरा बहुत अच्छी तरह जानता था। लाल बिहारी, अरे बुढ़िया ये कहां है, मिट्टी फेंक के गंदा कर रही है सब। ये मिट्टी नहीं, मेरी बेटी की चिता की राख है और मैं इसे इसलिए यहां बिखेर रही हूं ताकि इसमें तभी मेरी बेटी की आहों की चिंगारियां तेरी इस पाप की नगरी को जलाकर भस्म कर दे। वाह भैया वाह, हंसो जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लाल बिहारी, तू और तेरा एक एक आदमी मौत के करीब आता जा रहा है। आज तेरे एक आदमी को मारकर मेरे बेटे ने कामयाबी की पहली सीढ़ी बना ली है और वो इसी तरह लाशों की सीढ़ियां बनाकर एक दिन तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। वो बचकुंदा हमारी गर्दन तक पहुंचेगा, वो तो बेचारा पालने में सो रहा है। ये तेरी भूल है लाल बिहारी, इस वक्त मेरा बेटा तूफान में पल रहा है और याद रख, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। अब बात हमारी खुपड़िया में आई, हमरे दुश्मन को बाबा ठाकुर पाल रहा है, हमने उसे जिंदा छोड़ दिया कि वो अपने अपाहिज बेटे की लाश उठा उठाकर खुद ही मर जाए, मगर वो अब तक जिंदा है, अब जिंदा नहीं रहेगा। ओ मेरे राजू कहाँ है? कौन सा राजू? कौन राजू है तुझे नहीं पता? अरे भैया ये शराफा से नहीं ना बताएगा, तनी वो अपना पुलिस पैतरा दिखाओ। बोल बोल जान। राजू, लाल बिहारी के आदमी तुम्हारी तलाश में आए थे।
उठा अपने हाथ और दिखा अपना पैंतरा। याद है ये जगह, यही मेरी बहन की इज्जत लूटी थी और वहां तुम लोगों ने मुझे रस्सी से लटका दिया था। आज मैंने तुझे यहां लटका दिया है ताकि बिहारी जैसे कुत्ते देखे कि किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करने का अंजाम क्या होता है। ससुर अब का बाकी रहा, जिस दिन से तुम्हारे चरण इस घर में पड़े हैं इस घर को ग्रहण लग गया है। मामा अब हम समझा हूं कि हमारी बहन तुम्हें जन्म देते ही क्यों मर गई। तुम ही आ, हमारी छाती पर बैठकर तांडव करो। वो पता चला था राजू का नहीं, ठाकुर उसे किस बिल में ले छुपा है इसका अभी तक तो पता नहीं चल सका, लेकिन हाँ उसकी माँ डॉक्टरनी के पास रहती है इसका पता चल चुका है। बुढ़बक, हम का उसकी माँ के साथ रासलीला खेलूंगा। अरे राजू कहाँ है राजू? बहुत बिहारी जी, आप शायद हमसे हमारे बारे में ही पूछताछ कर रहे हैं। देखो हम बहुत टेंशन में हूँ, हमारा माथा बहुत टनक रहा है। हमारे अखाड़े का तीसरा पहलवान मार दिया है बचकुंडे ने, और तुम हो कि वो क्या कहते हैं उसको,
हाथ धरे बैठे हो। हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठे हैं बिहारी जी, हमारी कोशिश जारी है, सबूत की तलाश है। आप एक काम कीजिए, तीसरी कंप्लेन भी लिखवा दीजिए। बात दरोगा जी बात, सरकारी सुझाव दे रहे हो आ? हम कपलेट पे कपलेट लिखाता रहूं और वो हमारे पहलवानों को दिन दहाड़े कपलेट की तरह तोड़ता रहे। बूझ रहे हैं हम तुम्हारी चतुराई, खूब बूझ रहे हैं। आप तो कानून को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं बिहारी जी। कानून के अखाड़े में बिना सबूत के कोई पहलवानी नहीं चलती, वरना अब तक कई पहलवानों को उठा के चित कर दिया होता हमने। बूझ रहे हैं ना? लेकिन जब तक आपको बुझाएगा तब तक हमारा अखाड़ा चटियल मैदान बन जाएगा और उकल का लौंडा हमारी छाती पे चढ़कर तांडव करेगा। क्यों बड़े बुड़बक हो? अरे भैया, ये तो वही बता सकेगा ना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों वो एक एक करके आपके आदमियों को मार रहा है? क्यों वो लाशों की सीढ़ी बनाकर आप तक पहुँचना चाहता है? क्या दुश्मनी उसकी आपसे? दुश्मनी तो आप हमसे निभा रहे हैं, सवाल पर सवाल झपट रहे हैं। कह दिया ना, हमको कुछ नहीं मालूम। मालूम तो है, और मालूम उन बस्ती वालों को भी है जिनकी जबान पर दहशत के ताले पड़े हैं और पैरों में बुजदिली की बेड़ियां। सच ये है लाल बिहारी कि राजू की बहन का बलात्कार तेरे इशारे पर हुआ है। बकवास मत करो दरोगा जी, तुम्हें हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है। हमारी पहुंच ऊपर तक है। ऊपर वाले तक? फिर तो ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले के सिवाय मैं किसी से नहीं डरता। और दोबारा अगर मुझे पहुंच दिखाने की कोशिश की तो उठा के तुझे अंदर कर दूंगा, वो भी बगैर सबूत के, क्योंकि हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। जाइए अब यहां से, गेट आउट। सुमन, थोड़ी देर बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। जब मंजिल एक है तो रास्ते कैसे अलग हो सकते हैं? तुम शायद भूल रही हो, मेरी मंजिल सिर्फ फांसी का फंदा है। तो फिर उस फांसी के फंदे पर सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी गर्दन होगी। मैं तुम्हारी सजा चुरा लूंगी। लोग खुशियां चुराते हैं, तुम कम चुराओगी? राजू, तुम्हारा सब कुछ मेरा है, मैं तुमसे जुदा रहकर जी सकेंगे ना हम एक दूजे के बिन। जी सकेंगे ना हम एक दूजे के बिन। पुलिस वाले यहाँ क्या करें? तुम लोगों की हिफाजत के लिए। मगर क्यों? तुम्हारे साथी एक एक करके मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, इसलिए इंस्पेक्टर प्रधान ने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी फौज लगा रखी है, ताकि कातिल तुम तक पहुंचने की कोशिश करे और पकड़ा जाए। इस तरह से तो हम लोग बंदी बनकर रह जाएंगे, बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। तुम्हें बाहर आने जाने की क्या जरूरत है? मैं जो हूँ अंदर बाहर आने जाने के लिए, चिंता की कोई जरूरत नहीं। रोक दे भैया, गाड़ी रोक दे, साले लंगोटी की तरह चिपके हुए। नमस्ते बिहारी जी। कहा भाई दरोगा, ये सब कहा है? हमरे पीछे आ रहे हो कि पीछा कर रहे हो? ना हम आपके पीछे आ रहे हैं, ना ही आपका पीछा कर रहे हैं। ये इंतजाम जो आपकी हिफाजत के लिए है। हमारी हिफाजत का है भैया? इंस्पेक्टर प्रधान का हुक्म है कि हम आपको अकेला ना छोड़े, आपकी जान को खतरा है। चल भैया, बिल्ली रास्ता काट गई। मामा, यहां भी पुलिस?
दरोगा जी, ये सब कहा है भैया? हमारा बंगला का गुड़ का ढेला है जो तुम्हारी खाकी वर्दी वाली चींटियों ने घेर रखा है। बिहारी जी, ये चींटियां नहीं है, ये वो खंबे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के मकान को थाम रखा है, वरना मौत तो इसमें अब तक दाखिल हो गई होती है। का मतलब? बिहारी जी, उस दिन पुलिस स्टेशन में आपकी बातें सुनने के बाद मैंने बहुत गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि आप ठीक थे। दरअसल राजू गलत है, बहन की मौत ने उसे पागल कर दिया है, एक तूफान बना दिया है, और वो तूफान जुर्म के रास्ते कभी भी आपके घर तक पहुंच सकता है। तो आप तो खड़े खड़े वर्दी को धूप दिखा रहे हैं। अब भैया जाइए ना, पकड़िए ना मुजरिम को। उस मुजरिम को पकड़ने के लिए तो ये जाल बिछाया है। अरे लेकिन ये जाल हमरे सर पे तो न धरो भाई, उधर हमरे अखाड़े पे पहरा, इधर हमरे घर पे पहरा। इन परिस्थितियों में हमरे स्कूल के विद्यार्थियों का क्या होगा, उनकी कंपटीशन का क्या होगा? कंपटीशन? कसाई के सपने में हमेशा बकरा ही नजर आता है। अरे भैया कंपटीशन का मतलब होता है परीक्षा, जैसे विद्यालय में परीक्षा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी अपने पैर पैतरा स्कूल में विद्यार्थियों को आपस में लड़ाते हैं और जो जीत जाता है उसको सर्टिफाई करके बाहर भेज देते हैं। बुझाया? स्विमिंग पूल में दारू पीने का मजा ही जोर है। क्या तकदीर है भाई, पहले ये स्विमिंग पूल में सुंदर सुंदर कन्याएं नहाया करती थी, अब ये भैंसा जल क्रीड़ा कर रहा है। मामा जी, तोरा खातिर फोन। अब ये मामा फोन ही पकड़ने के लिए रह गया है। भैंसा कहाँ गया भाई, मछरिया बन के अंदर ही घुसा हुआ है का? ये जानते हुए कि बाबू इसका पहरा है, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने आप को खतरे में डालने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर होता है तो हो जाए। अभी भी उन दो हरामजादों की गर्दने मेरे हाथों से दूर है, समझ में नहीं आता उन दो सांपों को बिल से बाहर कैसे निकाला जाए। इसकी तरकीब भी मैंने निकाल ली है बेटे, मेरे पास वो बीन है जिसकी आवाज तो क्या, उसकी शक्ल देखते ही वो दोनों बिलों से निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं किसकी इजाजत से आपने इस कॉम्पिटिशन का ऐलान किया? शहर की तमाम दीवारों पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। दरोगा जी, तुम शकल से तो इतने बुड़बक नहीं लगते जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे भैया हम तो दिन रात तुम्हारी नजर के पहरे में हूँ, हम कैसे पोस्टर छपवा कर लगा सकता हूँ? ये ससुरा कंपटीशन कैसे लड़ सकता है, ये तो हमारे स्कूल का विद्यार्थी है ही नहीं, ये तो राजू है। ओ राजू। हाँ। I see। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। बिहारी जी, आप एक काम कीजिए, आप कंपटीशन की तैयारियां शुरू कीजिए, राजू को गिरफ्तार करने के लिए आपके अखाड़े से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। अरे नीचे रखो। क्या हो गया? शर्म नहीं आती का? इधर तुम शराब पी रहे हो और उधर प्रधान हमारा खून,
पुलिस वाले होकर राजनीति खेलते हो? बोले नहीं ना, हम भी बिहार का हूँ। यूपी बिहार में बच्चा माँ की कोख से राजनीति सीख कर निकलता है। ऐसा राजनीति पैतरा लगाऊंगा कि तुम्हारा प्रधान प्रधानी भूल जाएगा। मैं मतलब नहीं समझा। जब अकल बट रही थी तब हफ्ता लेने गया था तू, हैं? ये ले और मेरी बात गौर से सुन। हाँ, तूने कहा था ना राजू की माँ डॉक्टरनी के पास है। उठा ला साली को, और उसका लौंडा है ना, उसको अखाड़ा पहुंचने से पहले ही नरक पहुंचा दो। उसकी माँ अखाड़े में राख डाल कर गई थी। हम उनके चरण कमलों में उसके बेटे की लाश अर्पण करेंगे। अच्छा हुआ शिकार शिकारी के सामने खुद आ गया, मेरा काम और आसान हो गया। मैं तेरा काम आसान नहीं तमाम करने आया हूँ। मैं जानता था कि लाल बिहारी का कुत्ता मेरे खून की बू सूंघता फिर रहा होगा, इसलिए मैं खुद यहाँ चला आया। अब गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा किया ये सरकारी बेल्ट तूने खुद ही उतार दी, अब तुझे मारने में आसान होगी। कंप्लेंट लिखा ले चलिए ना। इतने घबरा गए मौत से, अपनी रिवॉल्वर भी नहीं पहचानते। परेशानी का कारण अच्छी तरह जानता, लेकिन जिस पहलवान ने तमाम शहर में पोस्टर छपवाकर यह ढिंढोरा पिटवाया है कि उसने सिर्फ दुर्योधन से ही मार खाने का, हड्डी तुड़वाने का इरादा कर लिया है, अगर वो पहलवान ही नहीं आया तो ये खेल कहां से होगा? खेल शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट शेष रह गए हैं। अगर 10 मिनट में वो नहीं आया तो खेल नहीं होगा।
ये खेल होगा और जरूर होगा। तबाही के लिए तूफान का एक पल ही काफी होता है और इस बाजार की तबाही के लिए तो अभी 10 मिनट बाकी हैं। फिकर न कीजिए, वो तूफान आता ही होगा। अब 1 मिनट शेष रह गया है। हमारे महागुरु श्री बाबा ठाकुर का दावा कि तबाही का तूफान जरूर आएगा। तूफान तो नहीं आया, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट का पसीना जरूर आ गया है। राजू ना अब तक आया है ना ही आएगा, इसलिए बिना खेल खेले हम दुर्योधन को विजयो। खेल शुरू होने में 1 मिनट बाकी है, खत्म होने में नहीं। लाल बिहारी, यह खेल तुम हरामजादों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं। राजू बेटे तुम्हारी यह हालत किसने की? जिन्हें मुझसे अपनी जिंदगी का खतरा हो वही मेरी जिंदगी पर हवा बोल सकते हैं। लेकिन तुम इस हालत में लड़ोगे कैसे? तुम तो बुरी तरह जख्मी हो। यह जख्म तो कुछ भी नहीं, अगर मेरी आखिरी सांस भी मेरे सीने में अटकी होती तब भी मैं ये लड़ाई जरूर लड़ता। आज अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो मेरे उन जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा जो मेरे जिगर पर लगे हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मिस्टर राज वर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? यस। किस जुर्म में इंस्पेक्टर साहब? इसने पुलिस स्टेशन में घुसकर इंस्पेक्टर कात्रे का खून किया है। ये खूनी है? का भैया खून करके हमारे अखाड़े में कंपटीशन लड़ने आया है? इधर रुको जी, इनको हथकड़ी लगाओ, लेकर जाओ। ये खूनी का हमारे अखाड़े में क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको राजू को गिरफ्तार करने से नहीं रोकेंगे, हमें सिर्फ आधे घंटे की मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं राजू के हाथ में हथकड़ी लगाकर आपके हवाले कर दूँ। सॉरी, कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे की तो बात है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर आप ये हो सकता है। ठाकुर साहब ने ठीक कहा। थैंक यू। आधे घंटे में कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये बाजार जरूर बदल जाएगा। कोर्ट भी आखिरी इच्छा का एहतराम करती है, तो थोड़ी बहुत सुनवाई तो हम कानून के रखवालों को भी करनी चाहिए। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। स्टार्ट। सारे शहर में तूने पोस्टर लगवाकर दुर्योधन को नहीं अपनी मौत को ललकारा है। Oh!
का कलेजा हमरे कलेजे पे लटक रहा है। बुझाया? ऐसा कोई पैतरा नहीं जो मैंने तुझे नहीं सिखाया हो, फिर ये अनहोनी क्यों? दुर्योधन का एक एक हाथ जब तेरे जिस्म पर पड़ता है तो मेरा कलेजा छन्नी हो जाता। बच्चे तुम सिखाता हूं तुझे कराटे क्या होता है। कब चैंपियन चैंपियन इधर करोगे तो हम बंदूक का मुंह खोल दूंगा। तुम लोग अब यहां से जिंदा बचे नहीं जा सकते। हम तुम्हारी मुंडी काट के थाली में सजा के मामा को पेश करूंगा। हमारा मामा बहुत खुश होगा। Ah!
Thank you.
इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। हराम जादे, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुमन बेटी, ये तुमने क्या किया? तुमने क्यों किया? जिंदगी भर साथ जीने मरने की कसमें खाई है, उनको झूठा कैसे होने देती राजू? इस राक्षस को मारकर मैंने भी तुम्हारे साथ फांसी के तख्ते पर पहुंचने का रास्ता बना लिया है। साथ जी तो न सके, साथ मरेंगे राजू। सुमन। राजू, आई लव यू। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह अदालत मुजरिम राज वर्मा को सजाए मौत और कुमारी सुमन को उम्र कैद की सजा देती है। क्यों? एक को फांसी और दूसरे को उम्र कैद क्यों? कानून की नजर में एक खून की सजा भी फांसी है और 10 खून की सजा भी फांसी है, तो फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? हमारे मुल्क के कानून में औरतों के साथ ये रियायत बरती गई है। बदल दीजिए ऐसे कानून को जो एक तरफ औरत और मर्द के बराबर होने का ऐलान करता है और दूसरी तरफ औरत को उनके छोटेपन का एहसास दिलाता है। राष्ट्रपति जी, मैं यहाँ सजा माफ कराने की दरख्वास्त लेकर नहीं आई, बल्कि इंसाफ लेने आई हूँ। मेरा और राजू का जुर्म एक है तो सजा भी एक होनी चाहिए, चाहे उम्र कैद हो या फांसी। क्योंकि तुम दोनों ने समाज के गंदे लोगों को खत्म किया है, इसलिए हम तुम दोनों की सजाएं माफ करते हैं। आए हम बाराती बारात लेके, आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। जो हंस दे ओ तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, नार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से। मैंने खत महबूब के नाम लिखा।